रोटी जल चुकी है, पलटनी है। रोटी जल चुकी है, अब पलटनी है। बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्ट बैठी है, सबसे ज्यादा। मैं 3 साल से मैं खुद भुगत रहा हूँ। हमारी सरकार जीवन में आ सकता था, बाकी तो सपा। बैंक में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कोर्ट कचहरी हर जगह चले जाओ, चेहरा ही बदलेंगे। सीधी बात यह है कि इनसे तो हमारा भर गया मन। कुछ भी हो लेकिन बीजेपी सपा हटनी चाहिए, चाहे जितना भी दे दे पर वोट नहीं देंगे। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम चंबल संभाग में अलग अलग गांव में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल ये सुमावली गांव है, विधानसभा में ये सुमावली है और जिला मुरैना में इस वक्त मौजूद है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। भैया, चंबल क्षेत्र के आसपास क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है चुनाव को लेकर? किसका दबदबा सबसे ज़्यादा रहने वाला है इस चुनाव में और किन मुद्दों के साथ रहने वाला है? तो सबसे पहले भाई साहब नाम बताइए। गजेंद्र सिंह। तो चंबल तो वैसे ही बगावती क्षेत्र माना जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले था। अच्छा, अब कुछ नहीं है। यहाँ के युवा क्या है, सब पढ़े लिखे हैं। हाँ। अच्छी अच्छी जॉबों पे हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, बगावती क्षेत्र का यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या कैसा लगा मामा का राज? इतने सालों देखी, क्या सोच रहे हैं? मामा का राज तो पहले ठीक था लेकिन अब बहुत खराब है। अच्छा, पहले ठीक था, अब खराब है, क्यों? इसलिए कि एक तो पहले SI की भर्ती 2017 में आई, उसके बाद कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। अभी पुलिस आई है, पटवारी का एग्जाम भी है, उसमें बताते हैं 15-15 लाख में बुकिंग थी। अच्छा। उस पर जांच के भी आदेश सुने लेकिन नहीं हुए। अच्छा, बुकिंग थी मतलब? बुकिंग थी कि 15 लाख रुपए में इन लोगों की क्या नाम है एग्जाम हॉलो किया गया है। अच्छा। 15 लाख रुपए में, जिसमें जो टॉपर एक लड़की बताई गई थी जो सेकंड नंबर पे आई है। हाँ। तो उसको ये एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैं तो न्यूज में देखा था। अच्छा। तो अब बताओ कैसे माने अपन मामा की सरकार में? अच्छा, अच्छा चल रहा है, रिश्वत खोरी मान रहे हैं, दिख ही रहा है टोटल, वो तो घोटाला दिख ही रहा है टोटल। अच्छा, 50% ऐसे बनाई इनने, पहले सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के कुछ लोगों को इनने अपनी तरफ लेके कांग्रेस सरकार भाजपा की बना ली। हाँ, अपन कैसे खरीद फरोख्त की है कि नहीं की, अपन ने पैसे तो गिने नहीं, लेकिन ये देखने में तो आ रहा है, सुनने में आ रहा है। अच्छा, सिंधिया जी जो गए थे, आप कह रहे खरीद फरोख्त हुई थी और सिंधिया जो गए थे, कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर? बीजेपी के लिए फायदा होगा या कांग्रेस के लिए इसका फायदा? इसको होना है क्लियर, इस बार तो सरकार कांग्रेस की आएगी और सुमावली से तो चेहरा बदलना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र गिरी है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव आने वाले हैं, मामा रहेंगे नहीं रहेंगे? चुनाव में कुछ भी हो लेकिन बीजेपी सपा हटनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी हटनी चाहिए? अरे कुछ नहीं है बीजेपी में, क्या है, कुछ नहीं कर रही है, सब लोग भ्रष्टाचार बैठे हैं। हर इंसान भ्रष्ट बैठा है। बैंक में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कोर्ट कचहरी हर जगह चले जाओ, हर जगह वो भ्रष्ट मिलेगा तुमको। हर जगह पैसा है तुम्हारे पास तो सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। एक हाथ में सिर को लटकाए हुए ले जाओ और एक हाथ में पैसे का बैग ले जाओ, कोई धारा नहीं लगेगी। अच्छा। हाँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्ट बैठी है, सबसे ज्यादा। मैं 3 साल से मैं खुद भुगत रहा हूँ। क्या भुगत रहे? बीजेपी के अंदर मैं खुद भुगत रहा हूँ। मैं 3 साल से घर को छोड़ के इधर सुमावली में अपना वो कर रहा हूँ गुजारा, रोड पे बैठ के अपना गुजारा कर रहा हूँ। तब के मेरे पास सब कुछ होते हुए थाने में पैसे भर दिए जाते हैं, थाना कुछ सुनता नहीं है कभी भी। 3 साल से कुछ नहीं कर रहा है, तब के कुछ ना कुछ तो सुनना चाहिए। अच्छा, ये अभी जो घोषणाएं मामा जी कर रहे हैं क्या लगता है ग्राउंड? अरे घोषणा कुछ भी करे वो क्या है, इंसान को दे रहा है तो इंसान से ही ले रहा है, ले भी इंसान से ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले रहा हो खाली। अच्छा, औरत को ही देना जानता है वो, इंसान को क्या दे रहा है वो? औरत को ही दे रहा है ना, दे रहा है जो सब कुछ। योजना जो कह रहे हैं कि भैया बहनों को दे रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? सब झूठी योजना है, कुछ नहीं है। उनके ही कर्मचारी बैठे हैं, उनके ही गलत मतलब भी बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं है, सब झूठे खोखले हैं, वायदे करते हैं, कुछ नहीं होना। कौन बढ़िया लग रहा है हमको? तो कांग्रेस बढ़िया है। बढ़िया है हमको इसलिए है कि कहा था उसके कार्यकाल में भ्रष्टाचारी तो नहीं होती थी, चौकीदार से लेकर प्रधानमंत्री तक भ्रष्ट बैठे हुए हैं। अच्छा। इस शासन काल में सबसे नाराजगी है सबसे। अच्छा। ये चुनाव के वक्त जिस तरीके से दावे वादे किए जाएंगे चुनाव के वक्त, जैसे जैसे आ रहे हैं, विश्वास होगा सरकार? अभी दावे करेंगी, लगातार वादे करेंगी, भैया ये करेंगे, विश्वास होगा? 3 साल से तो बिल्कुल विश्वास पात्र ही नहीं रही है बीजेपी। अच्छा। सपा खत्म कर दिया 3 साल से तो। अच्छा, सिलेंडर को लेकर कहा गया था कि बहनों को 450 में सिलेंडर देंगे। भाई साहब, एजेंसियों पे जाओ ताले डले हुए हैं। अच्छा। हाँ, जनता को चूतिया बनाते हैं। अरे भाई, तो मैं गया था, ताले डले हुए हैं एजेंसियों पे। मैं गया था सिलेंडर के लिए, 450 का मैंने सुना था 4 दिन के लिए हुआ है।
मैं खुद गया था मैंने कुशवाजी को फोन लगाया, कुशवाजी ने फोन नहीं उठाया जो यहाँ देने आते हैं। अच्छा। जिस दिन से 450 का सिलेंडर हुआ है ना, गाड़ी भी आई हो इस गांव में किसी से ही पूछ लो आप चल के। अच्छा। और जब 1200 का सिलेंडर था तब गाड़ी कंटिन्यूस आ रही थी पर डे। अच्छा। पर डे आ रही थी, उस दिन के बाद गाड़ी आई हो किसी को सिलेंडर एक को। एजेंसी पे गए थे आप? एजेंसी कहाँ है यहाँ, मुरैना से आता है, फोन लगाया अपन ने उठाया नहीं, उनने उठाया ही नहीं। अब बताओ अपन कैसे माने? मामा जी ने तो घोषणा कर दी थी। तो मामा जी घोषणा कागजों में हो जाएगी ना, जितने सिलेंडर मिलना है, किताबें तो किसी को चढ़ाते ही नहीं, किताबों में हो जाएगी बढ़िया। ये चुनाव लड़ेगा कोई नेता दे देंगे उनको आधा हिस्सा और क्या। सिलेंडर तो टोटल घर में दो दो कनेक्शन है। क्या मुद्दे होंगे इस बार इलेक्शन के, क्या मुद्दे होंगे आपके हिसाब से? देखो हमें तो एक चीज चाहिए अपने गांव के लिए कोई भी, वैसे हम तो चेहरा ही बदलेंगे, सीधी बात ही है कि इनसे तो हमारा भर गया मन। किसानों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने कहा हमने दिया, युवाओं के लिए दिया, महिलाओं के लिए दिया, किसान के लिए कांग्रेस ने दिया। मेरे पिताजी गवाह हैं उस चीज के, हमारा खुद केसीसी माफ हुई, हमारी खुद कमाई हुई थी, क्या हुई हमारी हुई थी 98,000 के करीब हुई थी। अच्छा, उसमें अमन ने, लेकिन बीजेपी कहती है कि कमलनाथ ने किया ही नहीं माफ। किया है, कैसे माने, मेरे पिताजी का खुद हुआ है। अच्छा, मेरे पिताजी का हुआ है। अच्छा, कमलनाथ ने जरूर माफ किया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई माफ नहीं किया। मुझसे बुजुर्ग किसान भी हैं, मैं तो खैर स्टूडेंट हूँ, पर लेकिन किसान भी आप पूछ लीजिए, कांग्रेस ने किया, भाजपा ने। इस बार चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है आपके हिसाब से, किन मुद्दों पर? कि यहाँ लंबा पीरियड हो गया है, रोटी जल चुकी है, पलटनी है अब। अच्छा। सूदा कारण जी है यहाँ का, रोटी जल चुकी है अब पलटनी है। क्यों? इसलिए लंबा टर्न हो गया बीजेपी का। हाँ। करीबन 18 साल करीब हो गया बीजेपी को यहाँ चुनाव लड़ते लड़ते और जीत रहे हैं और चुनाव और सरकार चलाई। हाँ। अब जनता पलटना चाह रही है बस। तो कह रहे रोटी पकी पकाई बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, बढ़ चुकी है अब। अच्छा। हाँ, जल गई रोटी अब। हाँ। अब पलटना है। वो तो कहते डबल इंजन की सरकार है भैया, दिल्ली में भी है, यहाँ भी है, क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में भी है, दोनों इंजन ही हट जाएंगे अब की। अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब तो आप बताइए इस बार चुनाव के मुद्दे आपके साथ क्या रहने वाले हैं? कांग्रेस है अपनी। अच्छा, कांग्रेस है। क्यों है कांग्रेस? कांग्रेस के सामने भ्रष्टाचारी नहीं होती, जो वादे करती उनको पूरे करती है। इतने प्रचार चल रहे हैं मामा जी के, आप मोबाइल पर देखेंगे, पोस्टर पर देखेंगे, खोखले हैं पूरे, कुछ वायदे नहीं है उनके पूरे। हाँ। कोरी घोषणा है उनकी। मेरा ना कहना है क्या है, चाहे जितना भी दे दे पर वोट नहीं देंगे तुझे। हाँ, जितना भी देंगे पर वोट नहीं देंगे। अच्छा। शिवराज से जी बात है। अच्छा। हाँ, उन्हें यहाँ पूछ लेना किसी महिला से। भैया दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना। लंबा टर्न हो गया, 18 साल की सरकार देख मतलब 1000 दे रहा हो, 2000 ले रहा हो, कहीं गैस गैस में ले रहो है, चट्टा में ले रहो, हर एक चीज में ले रहो, 1000 ही तो दे देगो, 2000 पहले ले लो, ले रहो है। कैसी देखिए मामा की सरकार अभी चल रही? मामा की सरकार जीवन में ना आ सका तब, बाकी तो सपा और सातों जाते जाम है, जो सातों जात टाड़ी है, एक जाते सातों जाते, सातों जात बात है। अदर गांव के लोग भी इनकी केसी जी माफ हुई है। क्यों? तुम्हारी केसी जी माफ, आपके भी कर्ज माफ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है। लेकिन बीजेपी कहते हैं कि भैया कोई कमलनाथ की सरकार में कर्ज माफ नहीं किया, झूठे वादे थे। को कह रहा है नहीं मारी भेजो बैंक में, बताओ कागज बताओ बैंक में। हाँ, मेरी केसी जी माफ भई है, मायका में और भी वही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बारह भी कर्जा माफ हुआ है। कब हुआ माफ? 1 साल पहले। आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार नहीं है, जी देख लो, जी कह रहा हूँ ऐसा हुए हैं, पूछ रहा हूँ आपसे, जी 3 साल से केबल पुरानी उतरी हुई केबल डाल रहे हैं। अच्छा। नई केबलों को भ्रष्टाचार में बेच दिया। अच्छा। हाँ, सुमावली में शाम को लाइट चली जाती है, छूता सू जाते हैं बहु बेटी निके और आदमी निके। लाइट के मामले में तो 0/0 पे गई। हाँ, वो तो कह रहा है बिजली बिल भी माफ होगी और चुनाव को लेकर बहुत सारे कह रहे 1250 का अब कर दिया जाएगा बहनों को। 2000 मोदी देता है, 4000 ले लेता है। हाँ, डीएपी कट्टा कितने का था पहले बताइए मुझे? 900 रुपये का कट्टा मिलता था, आज 1800 रुपये का कट्टा देती है। उन्होंने तो कहा था 2022 तक सरकार की आय दुगनी हमने कर दी है, कम से कम 40 ट्रक जामे कहा था, लोकल खाद भी बेच दिया बीजेपी ने। जब कहाँ गई बीजेपी? किसी किसान ने कही फसल ना है रही, बर्रू बेच रहे हैं बाजरा की जगह पे, तेलियन में भर भर के नहीं। मोदी को तो सर फिर भी वोट देंगे हम। अच्छा। मोदी को तो देंगे पर ये शिवराज सिंह को नहीं देंगे हम। मामा से क्या बहर है? मामा तो टेसी दही कर रहा है, बिल्कुल कोई काम ही ना करो मामा तो। मैं मेरी कुछ
मैं ऑवरेज हो गया 2017 की एक भर्ती देखी मैंने, उसके बाद नहीं देखी। ग्वालियर पढ़ पढ़ गया, घर वाले कहते हैं क्या मतलब हुआ पैसे कह रहे हैं, प्रशिक्षण के 8-8 हज़ार दे रहे हैं युवाओं को और उसके बाद नौकरी 25-25 मिला हो तो कितने बता दें, 2 रुपये मिला हो तो। मोदी से अपना कोई बैर नहीं, उसको तो वोट देंगे, आंख मीच के देंगे, लेकिन MP के अंदर भाजपा सरकार अपन नहीं देखेंगे। भाई साहब 84 से 700 बिच के 45 से बिच रही है और खाता करता बहकी बही है तो किसान तो लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं 84 से 700 बेची और 145 बिच रही है 700 और खाद बही है, डीजल बही है, पेट्रोल बही है, जे कम क्यों नहीं करे तो 700 किसान मेन चीज है ना 700 गेहूँ अब बे 4 हज़ार बिच रहे 8 हज़ार बिच के और खाद बढ़ाए तो बैसा मामा में बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब किसान तो मेरे को लागो तू पैदा ना भाई किसान किसान परेशान है, आवारा मवेशी से इतनी मवेशी के कईयों खेत बर्बाद हो गए हैं, मवेशी थे मवेशी आवारा फिर इतनी मवेशी कोई रुकावट नहीं, गाय को पैसा आता है उनके BJP के कार्यकर्ता खा रहे हैं, उठा गाय खा रहे हैं वो उनका चारा आता है, चारे को खा जाते हैं और आवारा फिर रही है गौशाला खाली डरी है, हाँ गाय का चारा BJP कार्यकर्ता सब खा रहे हैं, वो उनका ठेका है वो छोड़ दिया उनको, और देख लो आप कई खेत बता दूंगा आपको पूरे बर्बाद खेत कई हो। ये क्या लेके आ रहे हैं? ये तो अपने लिए बनियान लेके आया हूँ। अच्छा, कितने का मिला? 55 रुपए का। हाँ महंगी है सस्ती है? नहीं वो अब जी का पता महंगी है, जो मान लो पहले 45 की आती थी 55 की हो गई। अच्छा। आप बताइए क्या काम करते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ क्या काम करते हैं? कारीगरी। कारीगरी तो किसकी कारीगरी होने वाली इस बार, मामा की या फिर कमलनाथ की? अच्छा, और का क्यों पसंद नहीं आ रही? कि यूरिया कट्टा 200 रुपया को आवा दो, अब नो मान लो 500 रुपया कट्टा कर दो भाई यूरिया कट्टा, तो वो तो नो मान लो पहले ही है BJP। तो आप बताइए क्या नाम है? जगदीश। पानी कब पर है उन्हें बताऊ? पानी क्या बताओ तो भगवान से पूछिए। तो भगवान के जय जाओ जय तो तुम फिर रहे हैं तो पानी तो बसाऊ बाया गिरे गो से वो। अच्छा बताइए सरकार मामा जी की देखी 15-18 साल हो गए, अब क्या सोच रहे हैं? को मामा राज मामा? मामा तो मरे गए बहुत पुराने, नए कहाँ धरे। शिवराज मामा से नाराज हैं क्या? हैं बात तो डाल रहे हूँ मैं, बात तो डाल रहे हूँ। आप बताइए भाई साहब क्या नाम है? श्रीनिवास। श्रीनिवास तो क्या सोच रहे हैं किसको वोटिंग इस बार होने वाली है, तो कौन बढ़िया लग रहा है? कमलनाथ। कमलनाथ क्यों बढ़िया लग रहा है? हमें हमने तो चेंज नहीं करनी है सरकार। अच्छा, चेंज करनी है जी तो मैंने पता था करनी है। अच्छा। ज्ञान में इतने का बढ़ाइए कर से ज्यादा और क्या, सिलेंडर 12,000 रुपया को मरे जनता, ये 450 दिखाए एक दिन हम कर दो दिखाए को 450 को पकड़ लो पकड़ लो भगना जाए। हाँ अभी तो पकड़ा है मामा सही। अच्छा। और क्या कैसे पकड़ा है? जी पकड़ तो लाया चुनाए गु। अच्छा। हाँ और पुजारी लाओ मंदिर पे लाते हो मंदिर पे कबजे करो। अच्छा ये बताइए चुनावी के कौन कौन से मुद्दे होंगे इस बार, चुनाव के मुद्दे जो होंगे वोटिंग के मुद्दे क्या क्या होंगे? भैया देखो भगवान कौनों को कहते कांग्रेस कांग्रेस आगी। आप बताइए कौन बढ़िया लग रहा है? देखते हैं क्या होगा। कांग्रेस ही सही है। अच्छा क्यों चाहिए कांग्रेस? हैं देख रहे हैं आप महंगाई कितनी हो रही है। अच्छा, महंगाई हो रही है और क्या, मामा जी की सरकार मजा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चलिए चाचा आप बताइए क्या नाम है? भैया मेरे तो कछु नाम ना मैं ना जान तो कछु। अरे कौन बताइए मामा की सरकार में अच्छा लगा नहीं लगा? है? मामा की सरकार अच्छा लगा नहीं लगा? कौन की मामा की वो अच्छी है, कांग्रेस की वो अच्छी है, सिका अच्छी है, मैं कहा जाए तो सब कौन बढ़िया लग रहा है? बढ़िया है मायका है तो अमन तो जी ठेला बेच रहे हैं मायका जय को। चलिए आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम श्रीनिवास नागर है। क्या सोच रहे किस किसको इस बार? किसको किस बार? इस बार चुनाव आने वाले हैं मामा रहेंगे या जाएंगे? अरे मामा का जो जनता के हाथ बात है जनता क्या करेगी? जनता तो आप ही है ना। नहीं हम जनता है तो हम तो आप क्या कहलवाना चाहते हो? नहीं कौन बढ़िया लग रहा है? काम कुछ काम काज हुए हैं नहीं हुए सरकार में? अरे काम काज तो ऊपर से होते हैं, नीचे वाले नहीं होने देते हैं। अच्छा। नीचे वाले क्या ऊपर से वाले तो काम ही देते हैं ना। अच्छा। नीचे वाले क्या आएगा मान लो आता है सब मतलब परेशान गरीब बेचारे पहुँच नहीं पाते वहाँ तक, ऊपर से तो आता है नीचे वाले नहीं देते हैं वो लापरवाही करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? कृष्ण यादव। तो क्या हो रहा यादव जिस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर? माहौल ये है कि सरकार BJP की बन रही है। हाँ। दोनों ऊपर से नीचे तक
कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये तो सब किराए के लोग हैं। अच्छा, अपने अपने बोल रहे हैं, जिसको बड़ा नहीं मिला, जिसको भैंस नहीं मिली, जिसको राशन नहीं मिला, क्योंकि इनका तो आराम से रहा है शुरू से मीडिया के सामने आने के लिए। अच्छा, और कहीं कुछ नहीं सरकार भी। ठीक है, आप बता दीजिए भाई साहब कौन बढ़िया लग रहा है? मामा। मामा क्यों बढ़िया लग रहे हैं? काम अच्छे हैं। काम अच्छे हैं, क्या काम अच्छे लगे हैं? बहुत काम अच्छे हैं, बहुत काम। तो जातिवादी चुनाव है। अच्छा, जातिवादी चुनाव है। चलिए भैया, इस वक्त हम मार्केट में खड़े थे और तमाम लोगों से जान रहे हैं क्या कुछ मुद्दों को लेकर जो है इस बार वोटिंग होने वाली है। तमाम लोगों से आगे ऐसे भी अलग अलग विधानसभा में जाकर बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।